वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है कि बगैर लाइसेंस के कोई भी असला इस्तेमाल ना करें, और जब भी असला इस्तेमाल करें लाइसेंस के साथ करें और सेफ्टी का खास ख्याल रखें। 18 साल से कम उम्र हजरात ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी शौक ना रखें। शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم। हाजिर हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफिया से होंगे। दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छी से अच्छी गन का रिव्यू करें और उस गन की कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें ताकि तमाम देखने वाले दोस्तों को वो गन पसंद आए। आज हम जिस गन का रिव्यू करेंगे वो है एक और कंपनी की, और इस गन का जो मॉडल है वो है एक और चर्चल 512 साइड बाय साइड शॉट गन मेड इन तुर्की। ये गन सिर्फ 12 गेज के कैलिबर में दस्तियाब है। एक और चर्चल 512 बहुत ही खूबसूरत लाइट वेट और पैदार गन है। इस गन को ज्यादातर हंटिंग और सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और चर्चल 512 का जो रिसीवर है इसे स्टील से बनाया गया है, और इस गन का जो चैम्बर साइज है वो है 3 इंच और इसे स्टील से बनाया गया है। एक और चर्चल 512 की जो बैरल है इसे भी स्टील से बनाया गया है, और इसके ऊपर ग्लासी ब्लू फिनिशिंग की गई है, और यह गन सिर्फ 28 इंच के बैरल साइज में दस्तियाब है। एक और चर्चल 512 का जो स्टॉक है वो तुर्किश वाल नेट का है, और इसके ऊपर एल फिनिशिंग की गई है। एक और चर्चल 512 की जो रिब है वो कनकेव रिब है, और इस गन की जो फ्रंट साइट है वो है मेटल बीड फ्रंट साइट। एक और चर्चल 512 का जो ट्रिगर सिस्टम है वो सिंगल सेलेक्टिव ट्रिगर सिस्टम है। एक और चर्चल 512 की बैरल को सिलेक्ट करने का तरीका यह है, इसके ऊपर लगे सेफ्टी लॉक या इसे सिलेक्टर भी कहते हैं, इसके जरिए आप अपनी मर्जी की बैरल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बैरल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, दूसरी खुद बखुद सिलेक्ट हो जाएगी। एक और चर्चल 512 का 28 इंच बैरल के साथ जो टोटल वेट है वो है 2.75 kg, और 28 इंच बैरल के साथ जो इस गन की टोटल लेंथ है वो है 45 इंच, और इस गन की जो लेंथ ऑफ पुल है वो है 14.3 इंच। एक और चर्चल 512 की जो ड्रॉप एट कोम्ब है वो है 38 mm, और इस गन की जो ड्रॉप एट हील है वो है 55 mm। एक और चर्चल 512 एक मल्टी चोक्स गन है, इसके साथ 5 इंटरनल चोक्स होती हैं जो कि आमतौर पर टारगेट रेंज के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक और चर्चल 512 के अगर हम प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में जो आजकल इस गन की प्राइस है वो है 1,20,000। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जो दोस्त हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं, अगर आप मजीद इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।